हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं अपनी फ्रेंड की शादी में, मतलब कि आस्था की शादी में। और मेरे ही मतलब कि क्लासमेट्स ही थे राहुल और आस्था, दोनों की फाइनली शादी हो गई है और शादी में हम आए हैं। और यहाँ पर अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी शादी की कुछ क्लिप्स जो कि हमने वहाँ पर शूट की थी। कुछ उससे मैंने ली हैं और कुछ मैंने खुद से शूट की हैं, आपको खुद ही से ही अलग से पता चल जाएगा। और आज यहाँ पर मतलब जब हम खाना खा रहे थे तब की पिक्चर्स हैं ये। तो बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हैं हमारे ब्राइड एंड ग्रूम आस्था एंड राहुल। तो यहाँ पर जो था ब्राइड जो है वो आ चुकी है स्टेज पर, और देखिए दोनों बातों में लगे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है, आज शादी है कुछ नहीं, बातें जो हैं वो हमेशा इनकी ऐसे ही रहती हैं। तो यहाँ पर फाइनली मेरे दिमाग में आया कि व्लॉग को भी शूट कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये हूँ मैं, और पीछे आपको दिख रही होंगी स्काई ब्लू ड्रेस में वो है अलका, जो कि आस्था की रूममेट थी, और उसके साथ है पूर्वा हमारी ग्रुप की जान, और उसके साथ में है उनके हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हो, अलका के हस्बैंड यहाँ पर नहीं हैं, बाद में आपको उनके साथ भी बैठे दिखाई देंगे। वो हैं हमारे मतलब कि जीजा जी और अलका के हस्बैंड। और आगे आपको दिखाई देगी येलो ड्रेस में जो वो है रीनू, जो कि मेरी रूममेट है, और आस्था की तो शादी हो रही है। और एक जो है मतलब मेंबर जो मिस हैं वो नहीं आ पाई हैं आस्था की शादी में, और इसको तो आप जानते ही मेरे हस्बैंड हैं।
तो चलिए फिर आगे व्लॉग को देखते रहिए और हमारी मस्ती को भी। आप सब इस प्यारे से कपल को अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दीजिएगा, न्यूली वेड कपल को, मतलब कि आगे की अच्छी और हैप्पी लाइफ के लिए ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा। जाने क्या होगा, क्या होगा, क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
चलिए आज अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और ये था हमारा, मतलब कि लास्ट में जब हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे तब का वीडियो है। और आस्था ने मुझे स्पेशली बोला था कि उसके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर कैप्चर करूं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक व्लॉग डाला है। और काश इस व्लॉग को, मतलब मैं अपनी व्लॉग बनाने वाली जो जर्नी है वो पहले से स्टार्ट कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, सबके जो मतलब कि वीडियोज़ व्लॉग्स में आ जाते। लेकिन कोई ना, जो हैप्पी मोमेंट्स हैं वो अभी भी हम शेयर कर सकते हैं और ये हमारी हमेशा के लिए यादगार, मतलब याद बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।